प्रोग्राम के माध्यम से आप सीखेंगे कि फैक्टोरियल कैसे निकालें किसी नंबर का। तो लीजिए शुरू करते हैं प्रोग्राम 619। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो एक दिए गए नंबर का फैक्टोरियल फाइंड किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा इस पाइथन प्रोग्राम के माध्यम से। हैश लगाते हैं कमेंट के लिए। अगर आप किसी स्टेटमेंट को हैश से शुरू करते हैं तो पाइथन इंटरप्रेटर उसको चेक नहीं करता है, क्योंकि वह उसको कमेंट मान लेता है। द फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेज अ फॉर लूप नेस्टेड इनसाइड एन इफ एल्स ब्लॉक टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें एक फॉर लूप यूज किया गया है और नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन का ब्लॉक यूज किया गया है, जिसके माध्यम से किसी दिए गए नंबर का फैक्टोरियल की गणना की जाएगी। तो प्रोग्राम यहाँ से शुरू हुआ है। देखिए, नम इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर, इसके माध्यम से एक नंबर को इनपुट कराया गया है, उसको इंट में कन्वर्ट किया गया है और उसको नम एक वेरिएबल में स्टोर किया गया है। फैक्ट की वैल्यू 1 की गई है, क्योंकि मिनिमम फैक्टोरियल वैल्यू जो है 1 होती है। इधर पर फिर से कमेंट आया है, चेक इफ द नंबर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए 3 कंडीशन हमें चेक करनी पड़ती है, क्या नंबर नेगेटिव है, क्या नंबर पॉजिटिव है, क्या नंबर 0 है। इफ नम इज लेस देन 0, अगर नम की वैल्यू 0 होती है तो प्रिंट सॉरी फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है, ऐसा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। एलिफ नम, अगर नम की वैल्यू 0 है तो 0 का भी फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो प्रिंट द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 प्रिंट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो नंबर ना तो नेगेटिव है और ना ही 0 है, मतलब नंबर जो है 0 से बड़ा है। उस कंडीशन में फॉर I in range 1, for I in range 1, तो ये लूप जो है 1 से रन होगा और num plus 1 तक ये लूप जो है रन होगा। और num क्या है, जिसका फैक्टोरियल पता लगाना है वो नंबर है। तो num plus 1 क्यों लिया गया है, क्योंकि लूप जो है num तक ही रन होगा। नम प्लस वन लेने के बाद भी ये लूप जो है नम तक ही रन होगा। अब फैक्टोरियल की गणना होगी, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट स्टार आई। तो फैक्टोरियल की जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू उसको आई से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आई जो है यहाँ से इंक्रीमेंट होता जाएगा। और फॉर लूप के एंड में प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ नम इज फैक्ट, उसके बाद फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट करा दी जाएगी। उदाहरण के लिए एंटर अ नंबर, यहाँ पर 5 एंटर किया गया है और जो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। इस प्रकार 5 का फैक्टोरियल 120 एंटर होता है। तो चलिए पहले मैं आपको फैक्टोरियल ही समझा देता हूँ कि फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं पेंट के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि आप 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल आप कैसे निकालेंगे, तो आप 5 से शुरू करिए, ठीक है। इसके बाद 5 के पहले कौन सा नंबर होता है, 4, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 1 से मल्टीप्लाई करिए। तो जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर से शुरू करिए और उसके पीछे के नंबर तक जाइए जब तक 1 ना आ जाए, और उन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट होगा उस नंबर का फैक्टोरियल होगा। जैसे कि 5 4 20, 23 60, 62 120, 121 120। तो इस प्रकार से 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 120, जो कि अब ये प्रोग्राम में आ रहा है। ये देखिए 120 आ रहा है। तो चलिए अब इसी प्रोग्राम को आइडियली में बनाकर हम रन करेंगे। तो आइडियली ओपन कर लेते हैं, ये है आइडियली पाइथन। ये फाइल बनाने के लिए न्यू फाइल पर क्लिक कर दे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक कमेंट टाइप करेंगे, ये हैश
पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर नंबर नंबर। तो यहाँ पर हमने नम एक वेरिएबल ले लिया है और हम इसमें एक वैल्यू एंटर कराएंगे, इनपुट कराएंगे। तो इनपुट टाइप कर दिया, यहाँ पर मैसेज दे दिया एंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल। ये देखिए क्लोज कर दिया। अब जो है इस नंबर को चेक करेंगे, इफ नम इज लेस देन जीरो, अगर नम की वैल्यू निगेटिव है, नम की वैल्यू निगेटिव है, जीरो से कम होने का मतलब क्या है कि नम की वैल्यू निगेटिव है और निगेटिव नंबर का कोई फैक्टोरियल नहीं होता, तो हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। क्या मैसेज प्रिंट करेंगे? नो फैक्टोरियल फॉर निगेटिव नंबर, नो फैक्टोरियल ऑफ अ निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, नो फैक्टोरियल ऑफ ए निगेटिव नंबर। इसके बाद एल्स या एलिफ, एलिफ में क्या होगा? नम इज इक्वल टू जीरो, अगर नम की वैल्यू जीरो होती है तो उस कंडीशन में क्या मैसेज प्रिंट करना है? फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज वन, फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज वन। एल्स एल्स में क्या करेंगे? एल्स में हमें एक फॉर लूप रन करना पड़ेगा, फॉर लूप रन करेंगे आई इन रेंज। और रेंज क्या होगी? वन टू नम प्लस वन, नम प्लस वन, क्योंकि लूप रन वन तक ही रन होगा। और फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई वन, ठीक है। और इसके बाद फैक्ट की वैल्यू वन असाइन कर देंगे यहां पर, यहां पर फैक्ट की वैल्यू वन असाइन कर देते हैं। फैक्ट इज इक्वल टू वन, फैक्टोरियल निकल गया है, तो यहां पर हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ नम। एज फैक्ट इस तरह से प्रोग्राम बन गया। अब हम इसको रन करेंगे, रन मॉड्यूल पर क्लिक किया, इस प्रोग्राम का नाम रख दिया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सेव कर दिया इसको। हम ये 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 एंटर कर दिया, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 1, 1 आ रहा है। तो प्रोग्राम में कहीं कुछ गड़बड़ है, तो उसको हम सही करेंगे। ये देखिए इधर 1 लिख दिया है, यहाँ पर आई लिखना है हमें आई। अब प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं,
रन मॉड्यूल, ओके 5 एंटर। इस तरह से 5 का फैक्टोरियल 120 प्रिंट हो गया है। तो इसी तरह से पाइथन सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, प्रोग्राम को टाइप करना, उसको रन करना, डिबगिंग करना, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।